दुकानदार के पास कितना तेल है? दुकानदार के पास 201 लीटर किरासन तेल है। 201 लीटर 30 मिलीलीटर किरासन तेल है, मिलीलीटर किरासन तेल से लिखे गए। चार विभिन्न ग्राहकों को मिलीलीटर, अच्छा चार ग्राहक को बेचा है ना। अच्छा पहले ग्राहक को कितना बेचा है? पहले ग्राहक को 30 लीटर बेचा है। पहले ग्राहक को किरासन तेल बेचा है बराबर लीटर मिलीलीटर है ना। तीस लीटर बेचा। हाँ। दूसरे ग्राहक को किरासन तेल बेचा है कितना? 15 लीटर 840 मिलीलीटर। हाँ। तीसरे ग्राहक को कितना बेचा? 76 लीटर तीसरे ग्राहक को किरासन तेल बेचा है 76 लीटर 40 मिलीलीटर। अच्छा चौथे ग्राहक को कितना बेचा है? 69 लीटर छिहत्तर लीटर 40 मिलीलीटर। हाँ चौथे ग्राहक को तेल बेचा है किरासन तेल बेचा है। हाँ कितना बेचा है? 73 लीटर 390 मिलीलीटर। इतना ही तेल बेचा है ना, तो इसको टोटल कर देते हैं। मतलब कुल तेल बेचा दुकानदार ने कुल किरासन तेल बेचा 1 8 9 17 के 7 1 8 9 3 12 13 9 3 12 2 से चेक करो तो 1 4 8 9 17 18 9 20 12 21 22 23 24 25 26 27 98 100 197 270 के लिए। हाँ तो अब आप घटाइए ना। कितना बेचा है ये याद रखना, 197.270 दुकानदार के पास कुल कितना तेल था? 201 लीटर दुकानदार ने चार ग्राहकों को कुल किरासन तेल बेचा
बराबर कितना 191 लीटर 270 मिलीलीटर सही बेचा है ना। अच्छा और दुकानदार के पास बच्चे की राशन दे दी है ना, बच्चे किरोसिन तेल की मात्रा बराबर दुकानदार के पास कुल किरासन तेल की मात्रा मात्रा माइनस दुकानदार द्वारा बेची गई कुल किरासन तेल की मात्रा, यही बचा हुआ है उसके पास कुल किरासन तेल की मात्रा माइनस दुकानदार द्वारा बेची गई कुल किरासन तेल की मात्रा। ये बराबर हो गया दुकानदार के पास में कितना तेल था 201 लीटर बराबर 201 लीटर 30 मिलीलीटर है ना, माइनस 100 मीटर जी कितना था 191 लीटर 270 मिलीलीटर 270 मिलीलीटर है ना। हाँ घटा देते हैं 201 माइनस 0 300 इसमें से 191 270 0 में से 7 गया 6 ये क्या बोलते हैं 9 में से 2 गया 7 क्या बोलते हैं 10 में से 1 गया 9 ये कट गया कट जाएगा वो तो 1 हो जाएगा ये भी कट सही है 9 लीटर 760 मिलीलीटर है ना। हाँ 9760 बराबर 9 लीटर 760 ये हमारा आंसर है ठीक है। हाँ इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं और क्लियर हो गया ना। हाँ पूछो ना जितना तेल बेचा है उसको एक जगह जोड़ दें। हाँ और जितना उसके पास तेल है उसमें से उसको घटा दें वही उसके पास से बचा है जो इतना बचा है। चलो आगे बोलो दूसरा बी। हाँ बी 5 का बी क्या है गीता ने गीता ने 600 ग्राम वजन वाले दालों की गीता ने 600 ग्राम वाले दालों वजन वाले दालों की 600 ग्राम वजन हाँ वजन वाले दालों की 14 थैलियां खरीदी 14 थैलियां थैलियां खरीदी हाँ खरीदी हाँ इसके आगे खरीदी इस दाल से 350 ग्राम वजन वाले 350 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं बनाए जा सकते
600 ग्राम का कितना पैकेट कर दिया? 1400 पैकेट कर दिया। हाँ। हमको वजन बनाना है ग्राने में 350 ग्राम का पैकेट। हाँ। मतलब पहले फूल दाल जो खरीदी है उसको हम वजन निकालते हैं। हाँ। और फल और गीता ने फूल दाल की मात्रा खरीद बराबर 600 गुना 14 14 छः 84 मिलीग्राम है ना, यही ना कर दिया है। 600 ग्राम का है 14 को पैकेट का कुल हो गया 84 मिलीग्राम है ना। अब उसको पैकेट कितना का बनाना है? अब 350 ग्राम। अब 350 ग्राम का 3 दालों से पैकेट बनाना है ना। हाँ। बनाना मिठाई तो 350 ये में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। 350 ग्राम वाले कुल पैकेट की संख्या, कुल पैकेटों की संख्या बराबर है ना। हाँ। कितनी होगी तो कुल दाल की मात्रा, कुल दाल की मात्रा मात्रा बचे 350 ग्राम का 1 पैकेट, यही पैकेट बनेगा। 300 का कोई कुल संख्या बराबर नहीं होगी, बराबर 84 है बटे 350 बचेगा। जीरो होता तब भी कर लो, 24 बार तब भी कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ। देख लेते हैं बराबर 24 पैकेट, यही हमारा हो गया। हाँ। 5 केजर हो गया। हाँ। 13 14 ठीक है, और बोलो एक वो मेंटल मैथ वाला था। अब प्रश्न 22 का मैथ का खत्म हो गया है ना, लेकिन इसे 50 नंबर का मेंटल मैथ ही होता है ना, तो उसमें से भी कुछ बना देते हैं। बोलो इसको मिटा दें। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुल दाल की मात्रा निकाल लिए और उसमें 350 से भाग दे दिए, क्योंकि हमको 350 ग्राम का पैकेट बनाना है, तो 350 से भाग देंगे तो हमको कुल पैकेट का संख्या निकल गया। ठीक है। हाँ। चलो क्या है पहला प्रश्न, मेंजर मैथ है। हाँ। उसको क्या कहते हैं? बौद्धिक क्षमता। ये कोई सवाल नहीं होता, हाजिर जवाबी होता है कि दिमाग उस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि नहीं, है ना, नहीं लग रहा है कहाँ कहीं से कर रही हो, चलो बोल देख के। ठीक है बोलो, नींद मत बोलो। पहला नंबर क्या है? लोहा।
प्रश्न संख्या एक। अच्�छा निर्देश है। हाँ। क्या है निर्देश? प्रश्न संख्या एक से छः तक सही। एक से छः प्रश्न तक है ना। हाँ, सही युग्म का पता लगाएं। सही युग्म का मतलब युग मैंने जोड़ा। जोड़ा। सही युग का पता लगाएं। हाँ। पता लगाने। हाँ। ये गम 50 नंबर का होता है। मैथ कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। 100 नंबर का वो मैथ बनाए और 50 नंबर का बौद्धिक क्षमता मेंटल में। क्या है एक नंबर? लोहा। लोहा चुंबक। लोहा चुंबक। सोना। सोना इसका युग्म क्या है? लोहा चुंबक है। लोहा से चुंबक और सोना से जेवर। समझ गई ना? या गहना जो भी हो। लोहा से चुंबक बनता है, सोना से क्या बनता है? जेवर बनता है। ये आंसर हमारा हो गया जेवर। दो नंबर में क्या है? बर्फ। हाँ बर्फ। बर्फ ठोस। हाँ ठोस। हाँ डैश। हाँ डैश दीजिएगा। डैश तरल। तरल बहुत ठोस है। तरल क्या होता है? जल। जल मतलब लिक्विड फॉर्म में जल। तरल जल में नहीं होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन उसको आंसर में क्या लिखे हुए? जल। हाँ तो जल इसलिए लिखा है कि 5 क्लास के बच्चे को जल ही लिखना है। क्योंकि उसको पदार्थ का स्टेट को बताना नहीं, स्थिति उसको जानना है। जल तरल है ना। एक्चुअली उत्तर हमको जल का देना है, लेकिन वो पूछ रहा है कि तरल क्या है। तो जल है। जल भी तरल होता है। अच्छा चार नंबर तीन नंबर पूछा। स्याही। हाँ। स्याही कलर। कलर। हाँ रक्त। रक्त बराबर क्या? स्याही कलर मतलब स्याही कौन चीज में भरा जाता है? कलर। रक्त कौन चीज में भरा है? नस में। हाँ नस में। हाँ रक्त। रक्त रक्त मतलब रक्त कौन चीज में रहता है? नस में। नस में। बात समझ गई ना? जोड़ा लगाना दे दिया है। स्याही पे कलम तो स्याही कौन सी में भरते हैं? रखते हैं कलम में। और खून कौन सी में रहता है? नस में रहता है। ये समझे वाला बात है। ये कौनों के चाहने का आंसर नहीं। रक्त वाहिनी जिनमें रक्त रहता है बहता है नस। चार नंबर बोलो क्या? 14 11 14 11। हाँ ऐसे 14 11 को बाल दिवस है। ऐसे देखिए। अच्छा 14 11 बाल दिवस। बोले भी कम ठीक से। हाँ और क्या है? दो एक। हाँ दो में क्या है? दो दस गांधी जयंती। जी हाँ 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। हाँ क्या होगा? गांधी जयंती। मतलब उसी रोज गांधी जी का जन्म हुआ। और बाल दिवस से 4/11 नहीं 14/11 ठीक है। 14/11 को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। 2 तारीख को गांधी जी का जन्म। चल हो गया। आगे बोलो कुछ और बता देते हैं। दिल्ली। ये सब याद रखने की चीज है। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, याद करना होगा। हाँ बोलो। दिल्ली। 5 नंबर बिल्ली। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ क्या है? भारत। भारत। हाँ स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड।
है ना। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। छह नंबर क्या है? सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ लिखना है सॉफ्टवेयर? नहीं, यहाँ सॉफ्टवेयर। इसमें कहाँ पर लिखा है? सीपीयू के नीचे। बात वही तो पूछ रहे हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या होता है? पेन। ऑप्शन में पेंट लिख दिया, लेकिन और भी चीज है जो सॉफ्टवेयर होता है नहीं है? अच्छा, और क्या है? सात लोग। भारतीय संविधान किस वर्ष बना था? भारतीय संविधान किस वर्ष बना? संविधान किस वर्ष बना पता है? 1949 लागू किया गया। 1950 में ये बना, लेकिन लागू हुआ 1951 में। 1950 को ये बना था, 26 नवंबर 1949 को, पर लागू किया गया 26 जनवरी 1950। बना वाला नहीं लिखना है, 1949 ठीक। बना 1949 को दिसंबर में बना था, लेकिन लागू हुआ नवंबर में। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू। आठ नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? अधिवर्ष को तो लीप ईयर बोलो। 2014 2014 2015 2015 2018 2019 2020 लीप ईयर का फॉर्मूला जानती हो ना? जिस सन में चार से भाग लगे वो साल लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है, नहीं चारों में से 2020 में चार से भाग लगता है। और बोलो। श्रेयसी सिंह, एक मिनट, नौ नंबर। हाँ, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? एक उधर कहाँ सुन रही है? पापा। श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। निशानेबाजी से राइफल कहाँ की है? झारखंड की है। हाँ, लड़की है। आप एमएलए भी श्रेयसी सिंह निशानेबाजी। हाँ, और बोलो। 10 नंबर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या है? मात्रक पूछती हो? यूनिट। हाँ, आवेश का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट क्या है? वोल्ट है ना। आवेश की मात्रा क्या है? वोल्ट। हाँ, आवेश किसको कहते हैं? कोई वोल्ट से पड़ कोई वोल्ट के करंट पास कर रहा है, करंट पास को, करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है। तो ये सब बहुत आगे पढ़ाई होता है फिजिक्स में, लेकिन विद्युत आवेश जो है, आवेश क्या है? स्थिर विद्युत होता है, लेकिन ऊपर यूनिट वोल्ट होता है। याद रहेगा ना? विद्युत आवेश का मात्रक वोल्ट है। एक, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारा मन लग रहा है? आवेश का यूनिट क्या होता है? मात्रक को ही यूनिट कहते हैं। क्या होता है? देखिए यह पढ़ो।
यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्या होता है तो बोलने में शर्म लग रहा था, या तो पढ़ो नहीं तो जाके सो जाओ। जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय में हमको जरा भी मजाक नहीं लगता है, या तो पढ़ो तो छोड़ो। और ये सब कोई सवाल नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब क्या है, याद करने की चीज है, समझ गई ना? हाँ। क्या करने की चीज है? याद करने की चीज़। हाँ। अब 11 नंबर बोलो। 11 नंबर में है, लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर किरण है ना? हाँ, लेजर। इसको कौन इन्वेंट किया? जेम्स चैनल। सब याद करने का चीज है, देख उसमें कुछ बोलने लायक सवाल वाल भी है। कुछ इसने जो है ना मैथ से संबंधित कोई सवाल पूछा है, कौन सा इसमें न्यूनतम एकम अधिकतम? अच्छा ठीक है, वो हम बता देंगे, लेकिन आज इतना ही रहने दो, बाकी जितना है याद करने के लायक। ये बना दे, बोलिए क्या है? 32 नंबर। हाँ, इसमें लेजर किरण का आविष्कार रखे हैं, पता है? हाँ, नहीं याद है तो मत बोलो। यहाँ पे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। 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 हाँ। जेम्स चैडविक। जितने बोले हैं ना, जितने पर हम सब सुनेंगे, जो बनाने लायक होगा वो बना देंगे। अभी कौन नंबर बोल रही थी? 32 नंबर। क्या है उसमें? 18 भागा। भागा, यहाँ भागा का साइन देना। बोलो ना, उसका मतलब वह होता है। हाँ, 9 माइनस। अच्छा, सवाल है। माइनस 2 बराबर वाई है ना? तो जानती हो ना कि सिंपलीफाई है, जिसे बोलना शुरू करते डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। 18 दिनों से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और माइनस 2 बराबर करके क्या हो जाएगा? 0। भूल गई ना? इसी प्रकार के जो मैच है वो है हम बना देंगे, लेकिन बाकी जो याद करने वाला होगा आज सामने सब बैठे याद करो, ठीक है ना? चलो आप उठाने दो। और मैं तो बोलो 34 नंबर 34 बोलो क्या है? 5 गुना 20 भागा 4 जोड़ 6। हाँ। तो साधारण नियम है बोर्ड मास का, पहले भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद गुना की क्रिया करते हैं, उसके बाद जोड़ की, और तब घटाओ, सिंप्लीफिकेशन। तब पहले आप भाग की क्रिया करते हैं, फिर 5 गुना 20 में 4 से भागा देके देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और जोड़ 6 बराबर क्या होगा? 50 25 जोड़ 6 बराबर 31। ये ठीक है, समझ गया क्या ना? और भी कुछ होगा तो बताएंगे, लेकिन हाँ याद करने के बाद जो भी है उसको याद कर लो। आज सुना नहीं ना है? हाँ, सुना ना, याद करके हमको पता पहले सुना देना है, ताकि अब हम विज्ञानी सबके नाम याद नहीं कर सकते। सुन पढ़ो, तुमको जानना है। बंद कर दें। हाँ।